हेलो एवरीवन, बोटनी स्टूडेंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9 का फाइनल टर्म का साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चन पेपर। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आती हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस और फिर हमारे पास आता है सेक्शन ए। ये सेक्शन ए के अंदर 12 क्वेश्चन है और 12 के 12 एक वन वन मार्क्स के हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा टिंडर फ्लैक्स शो करता है। इसमें स्टार सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, मिल्क सॉल्यूशन और साल्ट सॉल्यूशन। आप मेरे को इनमें से सही के ऊपर टिक लगाना है। फिर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। इसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन लिखनी है Cl3 की। फिर थर्ड क्वेश्चन आता है एयर इज एयर क्या है, मिक्सचर है, सॉलिड है, एलिमेंट है या कंपाउंड है। फिर आता है क्रोमोसोम किससे बनते हैं, डीएनए से बनते हैं, प्रोटीन से बनते हैं, डीएनए और प्रोटीन से बनते हैं, इनमें से किससे बनते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आता है कि जो वॉक्यूल्स होते हैं वो फंक्शन, इनमें से कौन सा जो वॉक्यूल का फंक्शन नहीं है। तो इसमें हमें सही उस पर टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आता है इनमें से कौन सा जो है मैमल है, स्नेक है, फ्रॉग है, वेल है या पिजन है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 आता है कि मोमेंटम, व्हाट इज मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास है मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ वी। मोमेंटम का फॉर्मूला लिखना है इस क्वेश्चन में हमारे पास। और क्वेश्चन 8 में लिखना है कि जो व्हीकल्स में ऑडोमीटर होता है वो क्या नापता है। क्वेश्चन नंबर 9 में है यूनिट ऑफ फोर्स, इसमें यूनिट लिखनी है फोर्स की, जूल है, मीटर पर सेकेंड है, न्यूटन है या फिर किलोग्राम है। क्वेश्चन 10 में लिखना एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस एंड मास कंटेन CO2, जो एटमॉस्फेयर है वीनस और मास को कितने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि इनमें से कौन सा जो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जो NPK है, NPK का फर्टिलाइजर है, उनमें इन तीनों में से उसमें क्या नहीं होता। और फिर हमारे पास आता है सेक्शन बी में हमें सिर्फ 9 क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि जो टेम्परेचर दे रखा है हमें सेल्सियस में से केल्विन में चेंज करना है। और फिर अगला क्वेश्चन आता है 14, इसमें व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ, इसमें हमें कौन से इसमें दिखना है कि कौन से कपड़े हमें गर्मी में लाना चाहिए। फिर हमें डिफरेंस लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15 में होमोजेनस हेटेरोजेनस मिक्सचर में। फिर क्वेश्चन नंबर 16 में एटम लिखने के कितने प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में व्हाट, इसमें दिखना है कि लाइसोसोम सोसाइड वैक्यू कहाँ जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 में फंक्शन लिखना है स्टोमेटा के। और क्वेश्चन नंबर 19 में लिखना है मैमल ग्रुप और एस ग्रुप के बीच में डिफरेंस, या फिर क्लासिफिकेशन लिखनी है ऑर्गेनिज्म की किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा में। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 20, डिफरेंस बिटवीन स्पीड और वेलोसिटी में, इसमें डिफरेंस लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 में लिखना है कि जब हम किसी पेड़ को लाते हैं तो उसकी पत्तियाँ झड़ जाती हैं, क्यों झड़ती हैं ये लिखना है हमें, कहाँ लिखना है। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखना है व्हाट इज इम्यूनाइजेशन। उसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन सी। तो इसमें हमें सिर्फ 5 क्वेश्चन करने हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 23 है कि इसमें व्हाट इज मास में मोल दिए हैं, ऑक्सीजन एटम के, वाटर एटम के मोल दिए हैं, उसमें हमें मास में चेंज करना है इसका कितना मास है। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि एक गैस कम्प्लीटली फिल द वेसल इन विच इट कैप, इसमें रीजन देना है। क्वेश्चन नंबर 25 है लेयर डायग्राम बनानी है एनिमल सेल की। और क्वेश्चन नंबर 26 में फीचर लिखने हैं कार्डिक मसल के। क्वेश्चन नंबर 27 में काइनेटिक एनर्जी निकालनी है एक ऑब्जेक्ट जिसका मास 15 किलोग्राम है और मूविंग चल रहा है, इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 28 में हमें लिखना है एक्सप्लेन हाउ साउंड इज प्रोड्यूस बाय योर स्कूल बेल। क्वेश्चन नंबर 29 में हाउ आर फिश ऑब्टेंड। और फिर हमारे पास आता है सेक्शन डी में हमें सिर्फ 3 क्वेश्चन करने हैं, हर एक पार्ट का क्वेश्चन करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 30 में भी हमारे पास चॉइस है, 31 में भी चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, एक्सप्लेन करना है डिटेल में। और उसका दूसरा पार्ट है वो है हाउ आर सोल सॉल्यूशन और सस्पेंशन डिफरेंस, सोल सॉल्यूशन और सस्पेंशन पे डिफरेंस लेना है। क्वेश्चन 31 में डायग्रामेटिकली शो करना है 3 टाइप ऑफ मसल में डिफरेंट, या फिर लिखना है कि व्हाट आर डिफरेंट मीन बाय विच इन्फेक्शन डिजीज आर स्प्रेड। और फिर हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 32 एक्सप्लेन हाउ बैट्स यूज अल्ट्रासाउंड टू कैच अ प्रे। और उसका बी पॉइंट है व्हाट डू यू मीन बाय बोयंसी। इसी के साथ हमारी ये वीडियो पूरी होती है। क्यों बोलोगे? ठीक है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।